के दो मैदानों में आज दशहरे पर दंगल होने जा रहा है। शिवाजी पार्क में शिवसेना की दशहरा रैली है तो बीकेसी मैदान में शिंदे गुट दशहरा रैली के नाम पर शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। उससे पहले अभी अभी एकनाथ शिंदे ने एक ट्वीट किया है, लिखा है जरूरी नहीं जो बेटा हो वही उत्तराधिकारी हो। ट्वीट में नाम का जिक्र नहीं है लेकिन किस पर निशाना शिंदे ने साधा है बिल्कुल साफ है। शिंदे ने बिना नाम लिए कहा मेरे बेटे होने की वजह से उत्तराधिकारी नहीं होगा। फिलहाल पूरे महाराष्ट्र की नजर इन दोनों रैलियों पर है क्योंकि इन्हीं रैलियों से तय होगा कि शिवसेना के किस गुट के पास कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं, कितने कार्यकर्ता हैं। बगावत के बाद एकनाथ शिंदे के असली उत्तराधिकारी होने का दावा ठोकराए हैं तो उद्धव ठाकरे बाला साहब की संतान होने के नाते शिवसेना पर अपना पहला हक बता रहे हैं। शिंदे सेना और ठाकरे सेना को कितना जनसमर्थन है? दशहरा की दोनों रैलियां क्या सचमुच शक्ति प्रदर्शन है? यह मंगलवार को शिवाजी पार्क और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में तैयारियों को दिए जा रहे आखिरी टचअप की तस्वीर है। शिंदे सेना के साथ सरकार की ताकत है, इसकी गवाह है उनके ग्राउंड की तस्वीर। ठाकरे सेना के पास फिलहाल मैदान बचा है, इसकी गवाही शिवाजी पार्क की तस्वीर है। मगर सियासत में असली शक्ति प्रदर्शन चुनाव मैदान में होता है, वोटों की जीत हार में होता है। शिंदे फडणवीस सरकार के लिटमस टेस्ट की तारीख भी तय हो गई है और मैदान भी। अंधेरी ईस्ट मुंबई, 3 नवंबर वोटिंग, 6 नवंबर रिजल्ट। जी हां, अंधेरी विधानसभा का उपचुनाव 3 नवंबर को है। अंधेरी ईस्ट की जीत जरूरी है, इस जीत से सही मायनों में तय होगा कौन है असली शिवसेना, शिंदे सेना या ठाकरे सेना। लिहाजा जो अंधेरी ईस्ट जीता वही सिकंदर। अंधेरी ईस्ट की सीट से उद्धव गुट के रमेश लटके विधायक थे। हार्ट अटैक से रमेश लटके के निधन के बाद अब उपचुनाव होने जा रहा है। 2019 में शिवसेना बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़े थे, अब जरा तब के नतीजों पर नजर डालें। रमेश लटके को 62,773 वोट मिले, बीजेपी के बागी मुरजी पटेल को 45,808 और तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के अमीन जगदीश कुट्टी को 27,951 वोट मिले थे। इस बार बीजेपी ने अपने बागी और दूसरे नंबर पर रहे मुरजी पटेल पर ही दाम लगाया है। शिंदे सेना उनको पूरा समर्थन दे रही है। सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न है तो मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार और उपाध्यक्ष पवन त्रिपाठी मुरजी पटेल के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने खुद पहुंचे। हजारों समर्थकों की भीड़ ने स्वागत किया जिनमें बड़ी तादाद महिलाओं की थी। पवन त्रिपाठी को अंधेरी ईस्ट ले जाने की वजह इस इलाके में उत्तर भारतीयों की बड़ी संख्या थी। भारतीय जनता पार्टी और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को विचारों को लेकर के जो एकनाथ शिंदे जी आगे बढ़ रहे हैं उनकी शिवसेना हम लोग साथ में लड़ करके चुनाव लड़ेंगे और हमारे प्रत्याशी मुरजी पटेल यहाँ से विजयी होंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मुंबई ही नहीं पूरा देश आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ है, उनके उनमें विश्वास रखता है, इसलिए यहाँ की भी जनता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी के विकास कार्यों को मत देगी। पिछली बार का भी जो मतदान हुआ था 2019 में भी लोगों ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी के नाम पर श्री रमेश लटके जी को विधायक बनाया था, तो इस बार भी यहाँ की जनता अंधेरी की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाएगी। राजनीति में कभी एक और एक दो नहीं होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था उस आधार पर लोग कहते थे भाजपा 5-6 सीटें जीत पाएगी, लेकिन वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी फिर से पुराने अपने रिकॉर्ड को दोहराई, तो यहाँ पर कभी एक और एक दो नहीं होता है, यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर अंधेरी की आप बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है यह प्रतिदिन अपने कार्यों में लगा रहता है। अभी बीच में जो कोरोना का भी समय गया उसमें भी अंधेरी में जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी मुरजी पटेल ने बहुत काम किया है, तो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं और जब उनका नॉमिनेशन होगा उसके बाद यहाँ का जो है प्रचार प्रसार जोर से शुरू होगा। यूं तो परंपरागत रूप से ये मराठी बहुल सीट है, मगर इसके अलावा यहाँ यूपी, बिहार, झारखंड, गुजरात, राजस्थानी, मारवाड़ी और पंजाब के वोटर हैं। समुदायों की बात करें तो मुस्लिम, ईसाई, जैन और बड़ी संख्या में पारसी वोटर भी हैं। रमेश लटके की खासियत थी कि वो हर समुदाय के भीतर पैठ रखते थे। शिवसेना का मराठी मानुष और हिंदुत्व कभी उनके आड़े नहीं आया। उद्धव ठाकरे ने इसीलिए लटके की जगह उनकी पत्नी ऋतुजा लटके को टिकट देने का ऐलान किया है। उनको उम्मीद है कि ऋतुजा को जनता की सहानुभूति का वोट मिलेगा। मगर अब लड़ाई शिंदे सेना बनाम ठाकरे सेना है। कांग्रेस एनसीपी ने मैदान में न उतरने का फैसला किया है, तो क्या लड़ाई आसान होगी? महायुति बीजेपी और शिवसेना साथ में मिलकर लड़े थे। जीत का जो मार्जिन था काफी अच्छा खासा था रमेश लटके जी का, लेकिन जब 2000 चुनाव में अलग 2014 का जो चुनाव हुआ था उसमें शिवसेना और बीजेपी अलग लड़े थे, तो जीत का जो मार्जिन था काफी कम था। तो आपको लगता है अब जो चुनाव होंगे इसका असर होगा, क्योंकि बीजेपी आपके साथ नहीं है आपकी बार? असर होगा, होगा नहीं ऐसे नहीं, लेकिन रमेश लटके जो अंधेरी पूर्व में उनका जो नाम है और उनका जो काम है उसके हिसाब से इतना जितना बीजेपी सोच रही है उतना असर नहीं होगा ऐसे मुझे लग रहा है। जितना अभी मैं 4 महीनों से सबको मिल रही हूँ, सबके साथ बातचीत कर रही हूँ, उसके परिणाम मुझे लग रहे अच्छे ही आएंगे। लोगों का भरोसा अभी जिस तरीके का स्नेह प्यार उनके साथ था अभी भी आपके साथ है, क्योंकि आपने जैसा कहा कि लोगों से मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, तो अभी भी उसी तरीके का भरोसा जता रहे हैं कि आप पे हमें भरोसा है और आपके साथ? हाँ, मैं जिधर भी जाती हूँ, अभी तो मैंने मंडल, गणपति मंडल जाना चालू किया है, तो उधर मैं जाती हूँ तो सब ऐसे साहब भी आए ऐसे उनको लगता है और आके मुझे मिलते हैं, तो वो असर तो रहेगा ही। जाहिर है जब लड़ाई शिंदे सेना बनाम ठाकरे सेना हो गई है तो सवाल पहचान का है। उद्धव के पास अब केवल ठाकरे उपनाम बचा है, मगर शिंदे सेना का दावा है कि असली शिवसेना वही है। चुनाव के पहले तक शिवसेना का निशान तीर कमान भी उनका हो जाएगा, जीत उन्हीं की होगी। कि हम असली शिवसेना है और शिवसेना बीजेपी की युति है महाराष्ट्र में। इस युति का जो भी उम्मीदवार रहेगा उसको ही हमारा समर्थन रहेगा और इसलिए इस चुनाव भी में भी हमारे बीजेपी और सेना की जो युति है वही वो चुनाव भी जीतेगी। और आपने आज भी देखा है कि जो बाबा साहब के विचार थे, कि बाबा साहब ने बोला था कि कभी भी अगर मुझे कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाना पड़े तो मैं अपना पक्ष बंद कर दूंगा, मैं शिवसेना को ताला लगा दूंगा, ये उनके शब्द थे। तो उनके जो विचार थे उसके विपरीत जो भी चल रहे हैं उनको शिवसेना नहीं बोला जा सकता। तो हमारा ऐसा कहना है कि शिवसेना और बीजेपी युति का जो भी उम्मीदवार रहेगा वही इस इलेक्शन को जीतेगा। चुनाव आयोग हमेशा समय पे अपना निर्णय लेता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, तो वो इसके बारे में न्याय करेंगे, इसके बारे में हमें विश्वास है। ये चुनाव शिंदे और ठाकरे दोनों गुटों के लिए ओरिजिनल ब्रांडिंग का सवाल है। जो भी जीतेगा वो मराठी वोटों पर दावा करेगा, क्योंकि आखिरकार मराठी वोटर ही यहां ज्यादा था। हालांकि शिंदे फडणवीस गुट के मुरजी पटेल खुद मराठी नहीं है, उनका रिश्ता गुजरात के कच्छ से है, लेकिन उनकी करीबी आशीष शेलार और देवेंद्र फडणवीस से है। बीते 3 साल में मुरजी पटेल ने क्षेत्र में ग्रास रूट को बहुत मजबूत किया है, यही वजह है कि बीजेपी ने मुरजी पटेल पर भरोसा जताया है। सिंपति भी है क्योंकि रमेश लटके यहाँ पे काम करते थे, उनके निधन के बाद एक सिंपति का असर, उन्हें फायदा जरूर हो सकता है। असली शिवसेना हमारे साथ है, माननीय एकनाथ राव शिंदे जी की शिवसेना जो है ओरिजिनल शिवसेना वो हमारे साथ है। आरपीआई के आठवले साहब का जो गठ है वो हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और आरपीआई की युति, उसकी तीनों की एक महायुति है, वो युति का उम्मीदवार हमको दिया गया है, तो हम तीनों मिलकर इस क्षेत्र में लड़ेंगे। सामने कौन है क्या है उसमें हम नहीं जाते, हम हमारी लाइन देखते हैं, हमने आज तक क्या काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया,
भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर घर जाकर इस चुनाव में जीत हासिल करें। लेकिन आपको लगा सिंपति का नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है? स्वाभाविक है, आमतौर पर देखा है जब भी कभी ऐसे बायपोल होते हैं सिंपति का फायदा उस उम्मीदवार को मिलता है जो जिनके यहाँ पर निधन हुआ होता है। मैं उस संपत्ति में जाना नहीं चाहता हूँ, न वो विषय में कुछ बोलना चाहता हूँ। अंधेरी की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को 40,000 की लीड से विधानसभा जीत के देती। ठीक है, चलिए, आपने कहा कि आप महायुति के उम्मीदवार हैं, लेकिन जो उद्धव गुट के जो उम्मीदवार है उन्हें कांग्रेस और एनसीपी ने समर्थन दिया है, इसे आप किस तरह से चैलेंज के रूप में देखते हैं? अंधेरी की जनता समझदार है, किसके साथ जाने से फायदा है, किसके साथ जाने से नुकसान है। इस देश का विकास माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हाथ में लिया है, वो विकास के आधार पर मोदी जी के नेतृत्व में और देवेंद्र जी के नेतृत्व में लोग उनको देख के, उनका काम देख के, विकास देख के वोट करने वाले। देखिए, पिछली बार जब चुनाव हुए थे तब आप इंडिपेंडेंट थे, आप दूसरे नंबर पर आए थे, लेकिन कांग्रेस को भी करीब लगभग उम्मीदवार को 30,000 के आसपास वोट मिले थे। अगर वो ट्रांसफर होते हैं अभी के जो उद्धव गुट के उम्मीदवार है, तब आपको लगता है थोड़ी चुनौती बनेगी? वो चुनाव अलग होता है, ये चुनाव अलग है। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, पहले हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, लेकिन इंडिपेंडेंट में और भारतीय जनता पार्टी में बहुत फर्क है। ये पार्टी लड़ रही है, मोदी जी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में जो विकास की धारा पूरे देश में चल रही है वो विकास की धारा देख के लोग वोट करेंगे। अंधेरी उपचुनाव के बाद मुंबई में सीधे बीएमसी का चुनाव होगा, इसलिए भी दोनों पक्षों के लिए अंधेरी सीट को जीतना बहुत जरूरी है। इस सीट की जीत का असर आगामी बीएमसी चुनाव पर भी पड़ेगा। जो अंधेरी ईस्ट जीतेगा वहां भी परचम लहराएगा। शिवसेना को रमेश लटके के निधन से पैदा हुई सिंपैथी के चलते मराठी, मुस्लिम और उत्तर भारतीयों का वोट भी मिल सकता है। यही कारण है कि शिंदे फडणवीस गुट के उम्मीदवार मुरजी पटेल ने चुनाव तारीख घोषित होते ही अपने मुख्य चुनाव कार्यालय की ओपनिंग कर प्रचार में लीड लेने की कोशिश शुरू कर दी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।